सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। प्रतिभा सम्मान समारोह में पुनीत पटेल पत्रकार हुए सम्मानित। गौसगंज निवासी पुनीत पटेल पत्रकार, जो अपनी लेखनी की वजह से चर्चा में रहते हैं, वहीं गरीब असहाय दुर्बल की मदद करने में हमेशा तत्परता निभाते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा इटावा में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मानित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, कुलपति संगठन के चेयरमैन SS तोमर, अतुल निगम, विकास राजपूत आदि तमाम सम्मानित डॉक्टर, वकील व अध्यापकों ने अच्छे अंक पाने वाले विद्यार्थियों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मानित किया। कानपुर देहात की महिला जिला अध्यक्ष पम्मी सिंह ने बताया कि हमारा संगठन में जुड़ने का एक ही मात्र उद्देश्य कि सभी महिलाओं को उनका अधिकार मिले। संगठन के चेयरमैन ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संदेश देते हुए कहा कि अगर अगली बार वो मुख्यमंत्री बने तो डांसर बुलाने की बजाय देश व नागरिकों के विकास के लिए काम करें। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में हमेशा हमेशा ही दीप जलने चाहिए और मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, चंदकीरा मिश्रा। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए, ऐसी अपडेट को देखने के लिए हमारे साथ रोजाना बने रहे लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। धन्यवाद।